वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैची केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम लोग कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस मेथड जो है, कोलवेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड एल्केन प्रिपरेशन का, जिसका डिटेल में रिएक्शन हमने पढ़ा था एल्केन का सीरीज़ में, आप जाके देख सकते हो, उसका जो डिटेल मैकेनिज्म है वो हम लोग इस वीडियो में करेंगे। यहाँ पर हेडिंग होगा कोलवेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो कोलवेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यहाँ पर जो है, इसका डिटेल मैकेनिज्म हम लोग करेंगे। तो पहले तो जान लेते हैं कि इसका रिएक्शन क्या होता है। तो यहाँ पर सपोज़ आपके पास 2 RCOONa, ये था, आप यहाँ पर सोडियम या पोटाशियम सॉल्ट भी ले सकते हो कार्बोक्सिलिक एसिड का। अगर ये R के बारे में आपको पता नहीं है तो एल्केन का सीरीज़ देख लो, वहाँ पर R मतलब यहाँ पर कोई भी एल्किल ग्रुप। सपोज़ आपके पास ये R के जगह पे जो हो सकता है, ये है मिथाइल ग्रुप हो सकता है, इथाइल ग्रुप हो सकता है, कोई भी ऐसा एल्किल ग्रुप आपके पास हो सकता है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल। मैं एल्किल वीडियो ग्रुप के ऊपर सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा। तो मैंने R के बारे में पहले ही बोल दिया था, R मतलब यहाँ पर कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। तो सभी एल्किल ग्रुप को तो लिखना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग R पकड़ लेते हैं, R इक्वल टू एल्किल ग्रुप। यहाँ पर क्या दे दिया आपने, पानी दे दिया, तो एल्किल ग्रुप के साथ COONa मतलब सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहाँ पर आपने क्या दे दिया, 2 पानी दे दिया, यहाँ पर 2H2O दे के आपने अगर इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब कैथोड एनोड यहाँ पर देखे और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन देखे, आपने अगर इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा दिया, तो यहाँ पर जो बन जाएगा ये दोनों R एक साथ जुड़ जाएगा, प्लस यहाँ पर बन जाएगा क्या, CO2 बन जाएगा 2, प्लस यहाँ पर बनता है क्या, H2। इसका डिटेल रिएक्शन हमने करा था एल्केन का सीरीज़ में, आज मैकेनिज्म करेंगे, और उसके साथ 2NaOH यहाँ पर निकलेगा। अब हमने Na सोडियम सॉल्ट लिया है तो NaOH निकलेगा, पोटाशियम सॉल्ट अब लोगे तो पोटाशियम सॉल्ट लेने पर यहाँ पर सोडियम के जगह पे KOH आएगा, तो पोटाशियम सॉल्ट यहाँ पर आ सकता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटाशियम हाइड्रोक्साइड कोई भी चीज़ आ सकता है। मामला जो है यहाँ पर RR और यहाँ पर जो CO2 है, ये देखो RR 2R एक साथ जुड़ गया तो ये हायर एल्केन बन गया, और यहाँ पर ये जो CO2 है ये एनोड में तैयार होगा, और यहाँ पर H2 और NaOH या KOH जो है ये कैथोड में तैयार होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर है कि कैसे तैयार होगा, इसको इलेक्ट्रोलिसिस का जो मैकेनिज्म है ये कैसे होता है, ये हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो मैकेनिज्म, अब ये मैकेनिज्म में पहले क्या जानना पड़ेगा, पहले तो है आपके पास ये जो RCOONa ये वाला जो चीज़ है ये टूटेगा। कैसे टूटेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, यहाँ पर R इक्वल टू मैंने बोल ही दिया था, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, कोई भी एल्काइल ग्रुप जैसे कि मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, कोई भी ग्रुप हो सकता है। यहाँ पर RCOONa कैसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा 2RCOO- प्लस उसके पास 2Na+, तो ये ऐसे करके टूटेगा क्या, RCOO- जो है ये ऐसे करके टूट जाएगा। ये स्टेप नंबर 1 में होगा। अब दूसरा जो स्टेप है, एनोड में ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, देखो RCOO- ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड चीज़ है ये कार्बोक्सिलेट आयन है, तो नेगेटिवली चार्ज जो चीज़ है ये क्या करेगा, एनोड में जाएगा, क्योंकि एनोड में नेगेटिवली चार्ज्ड आयन जाता है, तो जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। कैसे छोड़ेगा, 2RCOO-, ये हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2RCOO- ऐसे लिख सकते हैं उसको तोड़ के। इसने क्या किया, एक RCOO- के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो 2RCOO- के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, एनोड में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, तो -2 इलेक्ट्रॉन। इसको छोड़ने पर क्या हुआ, 2RC OO, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन एक एक करके छोड़ दिया, तो वो डेफिशिएंट हो जाएगा, ऑक्सीजन जो है इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, और ऑक्सीजन के पास यूजुअली तो 6 इलेक्ट्रॉन रहता है आउटर मोस्ट में, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर देखो 5 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास आ गया, ये जो डॉट मैंने दिया ये इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या करेगा, ये तो इसका वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो इसका वैलेंसी जो सेटिस्फाई करेगा कैसे करेगा, ये जो 2R है ये इसको फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा, ये 2R वाला जो पोर्शन है फ्री रेडिकल, और ये जो COO ये वाला जो पोर्शन है ये CO2 बना के निकल जाएगा एनोड में, तो 2CO2
ये बनाएगा और ये निकल गया और उसके साथ ये जो 2R डॉट है ये नेक्स्ट स्टेप में चला जाएगा। कैसे चला जाएगा? नेक्स्ट स्टेप में एनोड में ही ये सब हो रहा है। अब ये 2R डॉट मतलब क्या? 8 डॉट प्लस 8 डॉट। तो एक ये जो फ्री रेडिकल है, ये फ्री रेडिकल एक साथ क्या करेगा? एल्किल फ्री रेडिकल एक साथ रिएक्ट कर जाएगा और R सिंगल बॉन्ड R कर देगा और R सिंगल बॉन्ड R करके ये भी निकल जाएगा। तो देखो एनोड का जो दो प्रोडक्ट है, एनोड का दो प्रोडक्ट हमें मिल चुका है। एक तो प्रोडक्ट क्या है, ये जो 2CO2 वाला है और एक जो है ये RR वाला है। ये दोनों प्रोडक्ट एनोड में मिल चुका है फ्री रेडिकल से। देखो एनोड में हमारा दो प्रोडक्ट यहाँ पर मिल चुका है, RR भी मिल गया, CO2 भी मिल गया। अब कैथोड में क्या रिएक्शन होगा ये हम लोग देखेंगे। तो अब कैथोड में क्या रिएक्शन होगा, कैथोड में देखो यहाँ पर हेडिंग होगा कैथोड। अब ये कैथोड में क्या रिएक्शन होगा, कैथोड में जो H2 आपने लिया था, यहाँ पर दो आपने पानी लिया था रिएक्शन में, आगे आप जाके देख सकते हो यहाँ पर दो पानी लिया था आपने। तो H2O क्या करेगा, कैथोड में जाएगा और यहाँ पर H2O इलेक्ट्रॉन को कैथोड में इनटेक करेगा और यहाँ पर H डॉट मतलब क्या, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और उसके साथ OH- बनाएगा। H डॉट और उसके साथ OH- बनाएगा। तो ये ऐसे करके क्या हुआ, यहाँ पर बना दिया। अब देखो दो H2 अगर आ जाए तो दो इलेक्ट्रॉन लगेगा, दो H डॉट आएगा, दो OH- आएगा। अब ये 2H डॉट यहाँ पर क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, H डॉट प्लस H डॉट ये रिएक्ट कर जाएगा और रिएक्ट करके क्या बना देगा, यहाँ पर H सिंगल बॉन्ड H, मतलब क्या ये H2 बना दिया और ये निकल गया। तो देखो H2 हमारा मिल गया और ये जो दो OH- है, ये दो OH- हमारा एनोड में, जो एनोड में जाने से पहले ये जो तैयार हुआ था यहाँ पर Na+, ये Na+ के साथ जाएगा और ये दो OH- दो Na+ के साथ दो OH- जाएगा और ये बना देगा क्या, दो NaOH। तो देखो पूरा जो हिसाब है वो मिल चुका है, यहाँ पर दो NaOH हमें मिल गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आपको मिल गया। ये कैथोड कंप्लीट हो गया और ये एनोड वाला रिएक्शन भी कंप्लीट हो गया। तो यही था कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड। ये मेथड से आप कोई भी एल्केन बना सकते हो, पर यहाँ पर जो ऑड नंबर कार्बन वाला है एल्केन, ये आप बना नहीं सकते। जैसे कि आपका मीथेन हो गया, जैसे कि आपका प्रोपेन हो गया, C3H8 हो गया, जैसे कि आपका ब्यूटेन यहाँ पर, जैसे कि आपका पेंटेन हो गया C5H12, ये आपका हो गया। तो ये सब आप नहीं बना सकते हो, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन जुड़ रहा है ये तो एक R के साथ दूसरा R जुड़ रहा है, तो एक का R जो है, समझ लो एक R एक कार्बन वाला है तो दूसरा भी R एक कार्बन वाला ही होगा, सेम R है। ऐसा तो नहीं है कि R और R- जुड़ रहा है, ये तो नहीं है। पर यहाँ पर क्या होगा, एक और एक जुड़ेगा तो दो बनेगा। अब ये R अगर दो कार्बन वाला है, ये भी दो कार्बन वाला, 2+2 4 हो जाएगा, 4 होगा तो 8 हो जाएगा, 3 होगा तो 6 हो जाएगा। तो ऑड नंबर वाला कोई भी एल्केन यहाँ पर बना नहीं सकते, जैसे कि मीथेन, प्रोपेन, पेंटेन, हिप्टेन, ये सब बना नहीं सकते। सिर्फ इवेन नंबर ऑफ कार्बन एटम वाला जो एल्केन होगा यही बना सकते हो। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया और समझ में आया। अगर समझ में आया हो तो जल्दी से जल्दी लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, और जल्दी से जल्दी अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए नमस्कार, दूसरा वीडियो जल्दी ही आएगा। स्टे ट्यून्ड।